सारे स्टूडेंट को एक मैसेज आ ही रहा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगातार 5-5, 6-6 कॉलेज का सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट मैसेज आ रहा है। और अभी जिसको भी आ रहा है 5 कॉलेज 6-6 कॉलेज जितने भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है या एडेड प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वह सभी आपको मैसेज करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को एक मैसेज आ ही रहा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगातार 5-5, 6-6 कॉलेज का सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट मैसेज आ रहा है। तो वह सभी कन्फ्यूज़न में है कि सर किस में एडमिशन लें, आखिर एडमिशन किस में लें। एक कॉलेज का रहता तो बात है, मगर यहाँ पर 5-5, 6-6 कॉलेज का सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट का मैसेज आ रहा है। आपको हमने इससे पिछले भी एक दो वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको हमने बताया था कि आपको ऐसा मैसेज कई सारे आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर हमें भी 2-3 कॉलेज का मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड का मैसेज आया है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, और अभी जिसको भी आ रहा है 5 कॉलेज 6-6 कॉलेज जितने भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है या एडेड प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वह सभी आपको मैसेज करेंगे। 8-10 कॉलेज आपको मैसेज करेंगे सिलेक्टेड के लिए। कोई बताएगा कि सर आप सिविल में सिलेक्टेड है, कोई इलेक्ट्रिकल में आपको बताएगा सिलेक्टेड है। उससे पहले आपको थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें दोस्तों, 2019 में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने भी दिया था, तो मुझे भी कुछ अच्छा खासा यूआर रैंक नहीं आया था, 38,000 के आसपास आया था। तो कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो उस टाइम हमने क्या किया था, मुझे भी इस प्रकार का मैसेज आया था। तो मुझे आया था JPIT नालंदा पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैसेज आया था। तो उसमें जो सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट का जो मैसेज आता है, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें नंबर दिए रहते हैं। तो हमने क्या किया था कि उस नंबर पर कॉल किए थे, कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए थे कि उसका कॉलेज का फीस कितना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, प्लेसमेंट रेशियो क्या है, सभी चीज़ें पूछे थे, काफ़ी अच्छे से बताते हैं। आप सभी को हम बताएंगे कि अगर आपको 5-6 या जितने भी मैसेज आए होंगे, 1-2 जितने भी कॉलेज का सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट का मैसेज आ रहा है, तो सबसे पहले आप कॉल पे बात कर लीजिए। देखिए, बात करने से कुछ जाता उता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपको वो रिजर्व कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोन से बात करेंगे, अगर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हम ब्लॉक कर देंगे। तो पहले आप बात कर लीजिए, आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो अलग की बात है, लेकिन आप क्या कीजिए, उसको पहले उनसे बात कीजिए कॉलेज के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। और आपको जचे गूगल पर सर्च कर लीजिए, और मेरे कई सारे वीडियो हैं पॉलिटेक्निक के, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के रिव्यू के बारे में, वहाँ देख लीजिए। और आपको लगता है कि यह कॉलेज हमारे लिए सटीक है, तो आप जाकर वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से उनसे बात कर लीजिए, 5-6 कॉलेज जितने भी कॉलेज को आपका सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट का मैसेज आया है उनमें आप बात कर लीजिए। और जहाँ आपको लगता है सेटिस्फाइड आप हो रहे हैं कि इस कॉलेज में हमें लगता है कि फ्यूचर है, आप वहाँ ले लीजिए। वैसे कई सारे वीडियो में आपको हमने बताया कि जेम्स पॉलिटेक्निक, JPIT पॉलिटेक्निक, यह सभी जो कॉलेज है वह top 1 के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार का है। तो आपको अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, आपको सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट जिसमें आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर JMC जो है, गंगा मेमोरियल पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हरनौत नालंदा में है, उसमें एडमिशन का मैसेज आया, क्या उसमें ले या नहीं। तो देखिए, वहाँ का हमने कॉलेज में से एक स्टूडेंट का रिव्यू किया था, तो उसमें उस कॉलेज का जो रेटिंग है, रिव्यू जो है, बहुत बैड बताया गया। उसका प्लेसमेंट रेशियो जो है वो बहुत गलत बताया गया, मतलब कि वहाँ बच्चे के साथ, बच्चे के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ करते हैं वहाँ के टीचर लोग। तो हमने वहाँ पर लगभग स्टूडेंट को बोला था कि JMCH हो या जेम्स हो या JPIT हो, कोई भी कॉलेज हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ 2-3 बार विजिट कीजिए, 1-2 कॉलेज के टीचर से पूछिए, वहाँ के स्टूडेंट से पूछिए, तब जाकर आप वहाँ एडमिशन लीजिए। देखिए, एडमिशन लेने से नहीं होता है, आपको वहाँ 3 साल बिताना है, आपको उसी कॉलेज से, उस ब्रांच से आपको फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आपको यह सभी चीज़ें देखना पड़ेगा, 1-2 बार जाना पड़ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको फ्यूचर की बात है, इसलिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो आपको अगर मैसेज आ रहा है 4-5-6, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर बात कीजिए, एडमिशन लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो आप कुछ तो कुछ जानिएगा ना जी।
अगर मान लीजिए आपको अगर एडमिशन नहीं भी लेना है लेकिन आप उस कॉलेज के बारे में उन वह टीचर आपको जो कुछ भी बताएंगे तो वह तो आपके जहन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये कॉलेज के बारे में ऐसे ऐसे टीचर बता रहे थे। आने वाले आपके भाई बहन जो भी होगा उनको तो आप अच्छे से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ़ोन करने में थोड़ा सा भी मत कतराइए, उनको कॉल कीजिए, उनके बारे में अच्छे से पूछिए, वह सभी कॉलेज के बारे में पूछिए, अच्छे से वह सभी टीचर डील करते हैं, अच्छे से वह सभी टीचर बातें करते हैं। आप एक बार कॉल कीजिएगा वो दो तीन बार आपको कॉल करेंगे, ये भी आपको हम बता देते हैं। आप एक बार कॉल कीजिएगा आपको वो दो तीन बार कॉल करेंगे, तो घबराइए मत। जो वैसे स्टूडेंट जिनको एडमिशन लेना है नहीं लेना है और मैसेज आ रहा है और कन्फ्यूज़न में है कि सर लगातार मैसेज आ रहा है क्या करें, तो आप उनसे पहले बातें कर लीजिए और आपको जचे कि एडमिशन लेना सही है तो ले लीजिए। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कोई खास डिफरेंट नहीं रहता है। जो डिफरेंट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा का रहता है, मनी का रहता है और सर्टिफिकेट का रहता है। सर्टिफिकेट भी सब सेम ही देता है, SVT का जो रहता है दोनों सभी सेम रहता है, ये स्टेट बोर्ड का रहता ही है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रुतबा और सरकारी कॉलेज के जानते ही हैं भारत में कितना सरकारी चीज़ का डिमांड है, हर चीज़ का, सरकारी नौकरी हो या सरकारी कॉलेज हो या सभी चीज़ का डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई रही रहता है। तो इसके लिए डिफरेंट मत सोचिए और नज़रिया बदलिए। प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अच्छा शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है। लेकिन आपका अगर इतना अच्छा रैंक नहीं आया हुआ है और आप 12th कर चुके हैं और आपके पास समय नहीं है, तो यह सभी देखते हुए आपको पैसे के साथ थोड़ा रिस्क लेना ही होगा। यहाँ पर सभी के सभी एजुकेशन फैसिलिटी सभी सेम दिए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आप बेहिचक उस पर उन सभी टीचर से बात करें, वो सभी नंबर पर कॉल करके बातें करें और आप इन्फॉर्मेशन लें। जचे तो आप एडमिशन लें, अगर नहीं जचे तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा फील्ड में जाएं, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।